Hi dear student of standard 7th, welcome to you in the second chapter motion of the earth part second of second. Well, yesterday हम लोगों ने part 1 दिखा था जहाँ पे हमने rotation की बात की थी and today we are going to discuss the revolution. Well, some of you might thinking कि मैंने आज mask भी पहना है. Well, it's my choice, okay? Before starting the lecture, I would like to share something with you. Let's see. So, today we are going to discuss a new a thought from our former president, that is Dr. APJ Abdul Kalam, and it's a task for you to search the full form of APJ, okay? And he stated something, jo main bhi read karne ja raha hun. Dreams is not that which you see while sleeping. Sapne wo nahi hote jo aap raat ko sote hue dekhte ho. Okay, it is something that does not let you sleep. बल्कि सपने वो होने चाहिए जो आपको रात को सोने ना दे. Thing is very clear. हम सब लोग रात को सोते हैं और हम लोग कितने लोगों को सपने भी आते हैं, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं. Anyhow, पर हमारे सपने ऐसे होने चाहिए जो हमको सोने ना दे, जो हमेशा हमको उसको पीछे भागने में हेल्प करे. Okay. So you should have a goal in your life. अगर पता नहीं है तो शॉर्ट टर्म गोल्स रखो, लॉन्ग टर्म गोल्स भी रखो. आपको धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा कि आपको आपके सपने क्या हैं. एंड ऑलवेज चेंज योर ड्रीम्स, ओके? एंड स्पेशली देर आर सर्टेन इन्वेंशन इन द वर्ल्ड जो बहुत सारे साइंटिस्ट को सपने में आए थे एंड देन फिर उन्होंने उसको चेज किया एंड दे फुलफिल इट. ओके, सो दिस इज द थॉट ऑफ द डे एंड लेट्स गो अहेड. Done. So, now we are going to see the revolution. As you can see on your screen, there is a sun. And that sun, उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? Earth. And Earth के चारों तरफ कौन घूमता है? Moon. So basically, this is sun and this is Earth. ये पूरा गोल घूमता है. उसके चारों तरफ चक्कर काटता है. And that is called the revolution. The earth take 365 days to complete one revolution. Earth को अपना एक revolution complete करने में total 365 days लगते हैं. This period is called a year. इसको हम लोग एक साल कहेंगे, year कहेंगे. It revolves around the sun at the speed of approximately that means they are not sure. 1780 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो ये क्या है? अर्थ की स्पीड है. नो, इट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो सन के जो चारों तरफ अर्थ घूमता है वो 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट करता है. आगे बढ़ते हैं. द अर्थ मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन इट्स फिक्स्ड इमेजिनरी पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. जिसे हम लोग घर से स्कूल जाते हैं, ओके, एंड वापस रिटर्न घर पे आते हैं, तो हमारा एक रूट बन जाता है, हमारा एक आने जाने का फिक्स रास्ता बन जाता है. सेम वे अर्थ जो है वो सन के जो चारों तरफ घूमता है उसका भी एक फिक्स पाथ है एंड उस रास्ते को हम लोग क्या, उस पाथ को हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट. ओके, आगे बढ़ते हैं. दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड बट एप्टिकल ओवल. सो राउंड परफेक्ट गोल होता है लेकिन ओवल थोड़ा सा अंडे जैसा होता है. इफ यू हैव सीन द एग, उस शेप में घूमता है. तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि अर्थ का और सन का डिस्टेंस थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है. दिस इज द रीजन व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डज नॉट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर. द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर. एक ही लाइन को बार बार लिखने की क्या जरूरत है? आई डोंट अंडरस्टैंड. ऊपर भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं. एनी हाउ, नीचे आ जाते हैं पैराग्राफ में, लास्ट थर्ड लाइन. द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? वेल, इट्स अ मून.
एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन. सो रिमेंबर मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर. The earth makes an angle of 23.50 degree to its axis and 66.50 degree to its orbit. Means earth ने बिल्कुल अपने ग्लोब देखा होगा. ग्लोब कभी भी सीधा नहीं रहता, टेढ़ा होता है. सेम वे हमारा अर्थ भी थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है और उसका 23 डिग्री पे झुका हुआ है. द अर्थ ओके द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजिंग द वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड ऑल्सो चेंज द सीजन. अभी जो अर्थ का जो झुकना हुआ है ना, उसकी वजह से ही हमारे अर्थ पर दिन और रात में डिफरेंस वेरिएशन देखने को मिलता है. ओके स्टे फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम इन अहमदाबाद एंड इफ आई टॉक अबाउट मे मंथ तो सनराइज है ना अप्रोक्सीमेटली 6 o'clock के आसपास हो जाता है एंड शाम को आई थिंक 7:15 तक रहता है. इट टेक मोर देन 12 hours. ओके 13 hours यू कैन से. बट इन दैट मंथ ऑफ दिसंबर 7:30 को तो उजाला होता है. एनी वन सनराइज कुछ 8 o'clock के था जस्ट पहले होता है एंड सनसेट 6 o'clock को ही हो जाता है. मीन्स हार्डली 10 hours. तो ये जो अर्थ का टिल्टेड फॉर्म है और ये जो अर्थ के सन के चारों तरफ जो ओवल शेप में घूमता है, इसी के कारण डे और नाइट में वेरिएशन होता है. एंड यही नहीं, अब जबकि सन से हम लोग कभी कभी बहुत दूर होते हैं, कभी पास में होते हैं, तो इससे हमारे सीजन्स ही बदलते हैं. नाउ इट्स अ कॉमन थिंग कि अगर हम लोग सन के पास होंगे तो हमको गर्मी लगेगी. ओके तो कौन सा सीजन है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. और जब हम सन से दूर होंगे देन इट माइट बी सम अदर सीजन. ओके सो आई थिंक ये स्लाइड में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव अहेड एंड आगे बढ़ते हैं. वेल मैंने भी आपको सनराइज और सनसेट के बारे में बताया था. आई थिंक ये लोगों ने उसको ज़्यादा सीरियसली ले लिया. नाउ एक्टिविटी इक्वल डे एंड नाइट फिल इन द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ अ कैलेंडर शोइंग द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट. अगर आप नेट पर गूगल करोगे तो आपको ये सारे डेज के कब सनराइज हुआ, कब सनसेट हुआ एंड आप सनसेट में से सनराइज कैलकुलेट कर लोगे तो आपको टोटल आवर्स एंड मिनट्स मिल जाएंगे डे के. तो यू विल सी इसमें आपको बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा. आई एम लीविंग दिस एक्टिविटी ऑन यू. नाउ देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर विच आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन. Just listen to me now carefully. You can see this is sun. Okay, so I am writing S U N sun. And this is our earth. Okay. Now, if you see sun का जो यू दिख रहा है आपको और जो इक्वेटर की 0 degree है वहाँ पे लाइन का मेजरमेंट करो. You will find certain measurement. और उससे भी 2 point ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर है. सन से टॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन का मेजरमेंट करो. आपको टॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन थोड़ी बड़ी दिख रही होगी. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप आर्टिक सर्कल पे चले जाओ, आपको सन की लाइन मैक्सिमम मिलेगी. व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट कि जितना जितना हम लोग अर्थ के ऊपर जाते हैं ना, सन रेस को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है. एंड बाई ट्रैवलिंग द सन रेस आर लूजिंग देयर हीटनेस. इसके अंदर जो गर्मी होती है वो थोड़ा लूज कर देती है. तभी तो एक टॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये जो एरिया है इसको हम टोरिड जोन बोलते हैं. टोरिड जोन क्यों बोलते हैं? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है. क्यों? क्योंकि सनरेज बहुत जल्दी आती है. जबकि आर्टिक पोल पे नॉर्थ पोल पे जो रहता है ना, वहाँ पे सनरेज तो जाती है मगर वो ज़्यादा उसको ट्रैवल करना पड़ता है और उसमें इतनी गर्मी नहीं रहती है, इसलिए वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है. वाइस वर्सा नीचे भी ऐसा ही होता है. तो यहाँ पे हमने देखा इक्वल डे एंड नाइट का फिनोमिना. आगे बढ़ते हैं. ओके सो सेम थिंग नाउ देयर आर थिंग्स टू नो गिवन टू अस. नाउ लेट अस सी एंड वो क्या है.
द लैंड दैट सेपरेट द लाइट फ्रॉम द डार्क हाफ ऑफ द अर्थ एंड जॉइन द टू पोल्स इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ एलिमिनेटिंग प्रकाश वर्तुल. गुजरात में बोल गुजराती में बोलते हैं. अब ये कौन सा पॉइंट है, लेट मी इन्फॉर्म यू. सी दिस पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट मीन्स अभी जो डे वाला पार्ट है वो नाइट में चला जाएगा, नाइट वाला पार्ट जो होगा वो डे में आ जाएगा. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ एलिमिनेशन. नाउ वेयरिंग वेयरिंग द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. सो डे एंड नाइट का आपको फिगर दिया हुआ है. द रेस ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून एंड ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर. आप ये दोनों डेटों को हाईलाइट कर लो. यानी जो इक्वेटर वाली लाइन है ना वो परफेक्टली उस 21 जून को हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर बराबर सन के सामने होता है, तो आप सबसे ज़्यादा गर्मी होगी. एंड ऑन 22 दिसंबर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बिल्कुल सन के सामने होगा, तो वहाँ पे भी सबसे लंबा दिन भी होता है एंड इस द लॉन्गेस्ट डे. तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिपेंड करता है. नॉर्थ पोल के लिए सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून एंड साउथ पोल के लिए होता है 22 दिसंबर. अब इसका उल्टा भी समझ सकते हो. 22 दिसंबर हमारे लिए शॉर्टेस्ट डे होता है क्योंकि वहाँ पे लॉन्गेस्ट होगा तो हमारे लिए शॉर्टेस्ट होगा. एंड 21 जून जब हमारे लिए लॉन्गेस्ट होता है तब उनके लिए शॉर्टेस्ट होता है. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी. वेन एवर द रेज फॉल वर्टिकली द डेज आर लॉन्गर एंड वेन एवर देर आर स्लांटिंग द डेज आर शॉर्टर. जब सनरेज बिल्कुल सीधी आती हैं तो डेज लॉन्गर होते हैं. सनरेज जब थोड़ी स्लांटिंग आती हैं ऊपर, आपने ऊपर वाली लाइन देखो आप जो 66.5 नॉर्थ लेटीट्यूड वाली है, तो उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और थोड़ी स्लांटिंग आती है, तब क्या होता है यूजुअली डेज शॉर्टर होते हैं. द टू टॉपिक्स आर इन अपोजिट हेमिस्फीयर. ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है. ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाता है एंड इससे हमारा डे एंड नाइट का फॉर्मेशन चेंज होता रहता है. वेल, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, लेट्स गो थ्रू इट नाउ. दस द सीजन इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर आर अपोजिट. तो सिंपल सी बात है, जब हमारे यहाँ पे गर्मियों का मौसम होता है ना तब वहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है. कहाँ पर, साउथ पोल में. एंड जब साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड जब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो हमारे यहाँ पे यूजुअली ठंड का मौसम होता है. तो ये अपोजिट चलता रहता है और दोनों का नंबर आता रहता है. लुक एट द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग वुड अ डे बी ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून. आई थिंक आप पहली वाली एक्टिविटी करो तो आपको पता चल जाएगा कि दिन कितना लंबा होता है एंड क्या ड्यूरेशन होता है. विच सीजन डू द प्लेस ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस. तो टॉपिक ऑफ कैंसर को कौन से सीजन फेस करने पड़ते हैं वो आपको करना है. वट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. अब ये कौन से ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं डेट आई डोंट नो. वट विल अकर ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन 22 दिसंबर. तो वहाँ पे 22 दिसंबर को टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लॉन्गेस्ट डे होता है, डेट्स इट. एंड हमारे यहाँ पे 21 जून को होता है. हाउ लॉन्ग अ डे, तो वहाँ पे भी आपको डे का कैलकुलेट करना है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल. नाउ यू आर अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट सो आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हो. नाउ लेट अस सी दैट, लेट अस टॉक अबाउट द सीजन. बट बिफोर डेट मैं आपको एक ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं तो हमको थोड़ा सा और क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी. ओके, सो मैंने अपना इमेज एकदम परफेक्ट प्लेस पे एडजस्ट कर दिया है एंड हियर वी आर रेडी. सो हमारा अर्थ थोड़ा सा यू है एंड वो एक्चुअली यू ही है. ओके, नाउ यू कैन सी दिस पार्ट. ये जो 21 जून है ये लॉन्गेस्ट डे. तब हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा अर्थ का एक पार्ट है वो ज़्यादा सन को फेस कर रहा है. एंड फिर ये जून से जुलाई जाता है, जुलाई से अगस्त जाता है एंड देन बिल्कुल इक्वल आ जाता है. तो यहाँ पे डे एंड नाइट बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं. ओके, एंड देन सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. जब 22 दिसंबर आता है तब हमारा पार्ट है सन के वो साइड है, अपोजिट साइड है, दिस साइड डेट मीन आई मीन. तो यूजुअली वो शॉर्टेस्ट डे होता है हमारे लिए. फिर अगेन जनवरी, फरवरी एंड मार्च में एक डेट आती है जब डे एंड नाइट ऑफिस इक्वल हो जाते हैं
एंड फिर वापस से डे बढ़ने स्टार्ट होते हैं एंड 21 जून तक लॉन्गेस्ट डे आता रहता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, इट्स कीप ऑन रोटेटिंग। ओके, आई थिंक अगर आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया है देन आपको अभी ये आगे की चीज़ें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो लेट्स गो थ्रू इट। दस द सीजन इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर आर अपोजिट। दैट आई थिंक आई हैड डन। ओके, सीजन से आते हैं नीचे। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अर्थ रोटेट भी करता है प्लस सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है। द सन ऑन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू दिस द नॉर्थ पोल फेस द सन रेगुलर इंटरवल। तो कुछ कई बार क्या होता है, नॉर्थ पोल एक रेगुलर इंटरवल पे सन को फेस करता है। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली नाइदर ऑन नॉर्थ और साउथ इक्वेटर। इट कॉज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। तो सन की रेस कंटिन्यूसली उसके मतलब एंगल्स बदलते रहते हैं, इसलिए डे और नाइट में चेंज होते रहते हैं। दस द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर। जहाँ पे ज़्यादा लाइट मिलती है वहाँ पे समर होगा। एंड दस डेट रिसीव लेस सनलाइट रिसीव्स विंटर। सो वहाँ पे मतलब विंटर होगा, जहाँ पे कम सनलाइट मिलेगी डेट मीन्स ठंड का मौसम होगा। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर इन द पीरियड बिटवीन 21 मार्च टू 21 सेप्टेम्बर। तो हमारा जो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, वो 21 मार्च से 21 सेप्टेम्बर तक क्या होता है, दिन यूजुअली गर्म होते हैं। वाइल इट इज़ विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमारे यहाँ पे समर होता है, उनके यहाँ पे विंटर होता है। अब उल्टा कर दो बराबर, जब उनका समर होगा हमारा विंटर होगा, उनका विंटर हमारा समर। ओके, द चेंजेस ऑफ द सीजन इज अ फिनोमिना दैट्स डायरेक्टली अफेक्टेड द ह्यूमन लाइफ। अब इसे हमारी ह्यूमन लाइफ बहुत अफेक्ट करती है। रिमेंबर, जब गर्मी होती है तो हम लोग बहुत कम कपड़े पहनना पसंद करते हैं एंड वो भी कॉटन वाले। ओके, लेकिन जब विंटर सीजन आ जाता है और बहुत ठंड लगने लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हैवी जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, सॉल्स पहनते हैं एंड ऑल दैट। आई होप ये क्लियर है। आई थिंक अभी इस पिक्चर में कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। सी रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ लिस्ट सम फेस्टिवल एंड सीजन्स एंड देयर सेलिब्रेशन गिवन बिलो। आपको कुछ सीजन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। When we celebrate a particular festival here, name the season, experience at the same time in a different country and complete the table. So, festival, Holi, Diwali, Christmas, summer, winter, winter. Okay. तो केन्या में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, डेट आई डोंट नो। जापान में, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, आई एम लिविंग ऑन यू। आई थिंक ये जो कंट्री में रहते हैं तो उनको ही पता होगा, वी डोंट नो व्हाट दे सेलिब्रेट। आई हैव समथिंग फॉर यू। सन एट मिडनाइट। सन एट मिडनाइट, रात को सन कैसे हो सकता है। वेल, 2.9 नीचे लिखा हुआ है, द सन एट मिडनाइट इन नॉर्वे। दिस फोटोग्राफ हैज बीन टेकन एट डिफरेंट टाइम्स अ डे। मतलब दिन के अलग अलग टाइम पे लिया गया है। ओके, सो एज यू कैन सी, सी व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे 3 महीने तक है ना उसकी मतलब बनावट ऐसी है कि वो 3 महीने तक सन और मून साथ में ही रहते हैं। 3 महीने तक लगातार दिन होता है एंड 3 मंथ्स वहाँ पे कंटिन्यूसली नाइट होती है। सो अब वहाँ पे 2-3 मंथ्स तक तो सनसेट होता ही नहीं है। तो थ्रू आउट द 3 मंथ्स यू कैन एबल टू सी सन, यू कैन एबल टू सी द मून ऑल्सो। तो रात को 12 बजे हो तो भी सन दिखता है। डेट इज वाइड से लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे। कभी मौका मिले तो मई मंथ के आसपास जाना, यू कैन एबल टू फील। ये किसी जगह है, यहाँ पे दिन ही दिन है या रात ही रात है। ओके, इन द यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे द सन डज नॉट सेट फ्रॉम द मिड मे टू द जुलाई। तो वहाँ पे मई से जुलाई तक यूजुअली सनसेट होता ही नहीं है। दिस मीन्स द सन राइज एंड सेट साइमल्टेनियसली। यहाँ पे सन राइज भी हो गया समझो, सनसेट भी हो गया। जब सन ही दिख रहा है तो फिर क्या राइजिंग में क्या सनसेट है ना। 3 महीने पहले सनराइज हुआ था, 3 महीने बाद ही सनसेट होगा।
बट फिर भी फॉर द एवरीडे फिनोमिना वो लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, डे ओनली नो. सो द सन इज सीन इवन एट द मिडनाइट. सो सन जो है वो हम लोग रात को भी देख पाते हैं. आई थिंक मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए. नेम द टू मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन. तो सीजन्स नहीं होंगे, टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज में, तब लोग कब देखेंगे, नाइट में ही देखेंगे ऑफकोर्स. ओके, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लगा होगा. एंड फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, सपने तो सब लोग रात को सोते टाइम पे देखते ही हैं, बट हम लोगों को सपने पूरे करने होते हैं और हमको उनके पीछे भागना ही पड़ता है. सो सपने ऐसे होने चाहिए जो रातों की नींद उड़ा दें. ओके, आई थिंक आपको ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग, बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा. वेल फॉर माई मास्क आई गॉट सम कट ऑन माई लिप्स, सो डेट इज़ वाई आई एम वेयरिंग दिस मास्क. आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. एंड बाय एवरीवन.